महात्मा जी से कोई बात हुई, निमला हुई। क्या हुई कि सेठानी, महात्मा ने जो कहा है वो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस महात्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। परहित करने वाले महात्मा हैं। ये कहा है कि आपके बेटे को छिटवा लाओ। मेरे ढूंढने में कुछ मिल जाएगा आपको। कब मिलेगा? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह ही। ठीक है, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ही सेठानी ने जक लगा दी, जाओ जल्दी जाओ। अब सेठ ताराचंद ढूंढे के नजदीक पहुंचा तो सेठ के मन में दो भाव प्रकट हो जाते हैं। एक भावना तो बनती है कि मार लो हाथ, और एक भावना कहती है नहीं, संत है, संत की तलाशी नहीं लिया करते। संत ने पता नहीं किस भाव में कह दिया होगा, पर तेरा तो ये कर्तव्य नहीं है। पर फिर सोचा, आपुरका नहीं ध्यान गया, जब विचार करे बाबा जी के कन्यादान करवाओगा, अपना बेटा छुट्टिया होगा और अपना कभी न कभी समय तो बदलेगा, फिर बाबा जी के भेंट चढ़ा देंगे। सेठ ताराचंद धूने पर चढ़ा गया, बड़ी युक्ति से धूने में कि भभूति में हाथ दिया तो सेठ की लड़की ने पहले ही अपना कंगन, सोने का कंगन धूने की भभूति में डाल दिया था। सेठ ने हाथ मारा और पहले ही बुकटे में वो कंगन हाथ लग गया। सेठ कंगन को लेकर के घर आ गया। घर आया, सेठानी कहती है क्या मिला? नहीं बोला देखिए मिला। तूने बोली ये तो बड़ा कीमती है, सुंदर है, पर अब इसकी सुंदरता को नहीं देखना, बाजार में बिक्री कर दो। सेठ बाजार में जाता है, कंगन की बिक्री की। कंगन का वजन था 25 तोड़ा, उस समय सोने का भाव था 8.5 रुपए प्रति तोड़ा। कंगन की कीमत हुई 212 रुपए। सेठ 212 रुपए लेकर घर आया। सेठानी कहती कितने पैसे मिले? 212 रुपए। तूने बोली 200 तो आप रख लो, मनसा के देने हैं, और 12.5 मुझे दे दो और महात्मा जी को ला करके यहां बैठा जाओ पहले घर, बाद में जाना आप। क्यों? यदि ये बात कोई और सुन लेगा तो हमारी तो बेइज्जती होगी, साथ महात्मा का भी अपमान होगा कि महात्मा नहीं है तो कोई पाखंडी और ढूंगी है, आडंबरी है। तो आप बाद में जाना अपुर, महात्मा को यहां ले आओ। अब सेठ ताराचंद वापिस गया धोने पर, तब तक और भी सेवक नहीं पहुंचे थे। बाबा नमो नारायण बोली नहीं पिछाड़न लागी, टप दे आँख खोल ली। आओ भगत कैसे आए? निमला महाराज आपको हमारे घर चलना पड़ेगा। निमला नाना, हम तो महात्मा है, जंगल में बैठकर भजन करने वाले हैं, हमें किसी के घर से, किसी के महल हवेली ठाठ बाठ से क्या लेना। महाराज चलो, आप जरूर चलोगे? नहीं नहीं मैं नहीं चलूंगा। नहीं चलोगे ना? तो नहीं बोला देख भाई बाबा, वह तेरी चीज तो हाथ से छूट गई, और तुम नहीं चलोगे हमारे घर तो ये अपनी अमानत लो, 200 रुपये न्योड़ी मंगा रखा था, वह न्योड़ी भगा दी बाबा जी का, नहीं कि मैं भी आपको नहीं जाऊंगा। सेठ की लड़की ने विचार कराया, यू बस्ता बस्ता फिर उजड़े, क्यों यू बुढ़िया से जिद्दी, मानेगा नहीं। विचार करती है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, लो उठाओ
चलेंगे। पर एक बात का ध्यान रखना, मैं एकांत में रहूंगा। बोला बाबा बहुत बड़ी हवेली है, चाहे जितने कमरे आप रख लेना, हमारे तो कोई काम नहीं है। अब सेठ ताराचंद के साथ सेठ की लड़की घर आ जाती है, क्यों सेठ की लड़की ने विचार कर लिया कि चालना तो पड़ेगा, दो दिन पाछे चालेगी, और आंच बड़ा कुणबा मलन यार भी नहीं जीसा योश है, क्यों ससुरा से बड़ा और लड़ियार कौन होगा। सोच लिया, घर आ जाती है, एक कमरे में सामान तार दिया, बैठा दी। बाबा ठीक है, यहां आराम से रहो, भजन करो, मेरी सेठानी जो कहोगे वो सेवा करेगी, मैं जाऊं आपुड़ जाओ। सेठ ताराचंद आपुड़ गया, भाई मनसाराम, राम राम, राम राम। अरे ताराचंद, हाँ हाँ भाई, कहो कैसे आए। बोला भाई आया के तेरा मुनीम बोला और वो तेरी बही मंगवा, क्या करेगा। बोला भाई तेरा वो आंख डोडा करे अपना, और मेरा लड़का बुला कहाँ है लड़के को। बोला अरे पागल है क्या, मैं तेरा यार हूँ, तू मेरा यार है, बच्चे को लेने के लिए आया है, बच्चा ले जा, कोई आंख ऊंख नहीं है मेरा तेरा। बोला भाई मैं जानता हूँ तू मेरा यार है, मैं तेरा यार हूँ, आज तू नहीं मांगेगा तेरी औलाद मांग लेगी, औलाद भी नहीं मांगेगी औलाद की औलाद मांग लेगी। अरे बही में लिखा हुआ तो मेरी सौ पीढ़ी तक ये ज्यों का त्यों रहेगा, इसलिए भाई याराना का बहाना दूर कर और मेरी बात सुन। ये तो मैं भी जानता तू यार मैं तेरा यार, पर है यही सही दे मंगा बही अब मेरा आंख दे तार। मुनीम बुला लिया, बही मंगवा ली, आंख डोडा कर दिया, लड़का बुला लिया, चंद्रगुप्त हाँ पिताजी, तेरे पिताजी लेने आ गए, तू जा तेरे घर, ठीक है पिताजी, तेरी माँ से तू मिला, इजाजत लिया, आशीर्वाद लिया, हवेली में गया, मनसा की सेठानी के पांव धो करी, माँ आशीर्वाद दो मुझे। किस बात का बेटे, माँ मैं जा रहा हूँ, मेरे पिताजी आ गए लेने के लिए, मैं जा रहा हूँ मेरे घर, ठीक है बेटा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुझे परमात्मा संपन्नता दे, सफलता दे, सुख दे और समृद्धि शांति दे, और तेरे माता पिता की सेवा करना, और ले मैं आशीर्वाद देती हूँ तेरे को। वो लाल निकाल के लाई, विचार करती है कि तेरे घर का कोई हल्दी फटकड़ी नहीं लगी इसमें, तेरा कुछ खर्चा नहीं लगा, ये बच्चा पता नहीं कैसे ले आया था, कहाँ से ले आया था, जिसकी अमानत उसी को देनी चाहिए। वो लाल दिया, ले बेटे, सिर पुचकार के लाल दे दिया हाथ में, अब करोड़पति तो बन गया, बदल गए दिन। दोनों भाभियों के पास गया, कहता भाभी जी गलती सलती माफ करना, और कही सुनी को भी भुला देना मेरी को, और मेरे नमस्ते, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? निबला मेरे घर जा रहा हूं। घर? हाँ। किस लिए? मेरे पिताजी आए हैं लेने के लिए, मैं घर जाऊंगा। घर जाओगे? जाओ, पर एक काम करना, क्या? दोनों सेठानी सच्चे मोतियों का जोड़ा लेकर के आई और नुबुल ले, आशीर्वाद मारा ले जा और याद रखिए बाणी, अब के फेर मिलन आवे
तो ले ये साथ दो रानी ले। परमात्मा करे इस जोड़े को पहनने वाली तुझे घर तैयार मिले। हमारी आत्मा की ये पुकार है, जाओ पर अब की बार फिर आओ तो अकेले मत आना, जोड़े से आना। देवरानी ने लेके आई है। चंद्रगुप्त हंसी में उन भाभियों की बात टाड़ता हुआ और आ जाता है। मनसाराम और तारासन थे वहां। मनसाराम से कहता पिताजी अब मैं जाऊं आशीर्वाद दो। अरे तेरी माँ ने दिया कुछ नहीं? बोले हाँ पिताजी दिया। क्या दिया? लाल दिखाया ये दिया। मनसा ने सोचा रहे चाड़े हो गए भाई, वीरवानी ने तो कि मैं नहीं सोची। मट्टी ने न्यू डड़ी की डाल ठा के दे दिया। मनसा ने न्यू नहीं बेरा यो तेरे घर का सही नहीं, यो तो अगला का लिया उड़ा सा। मनसा राम विचार करता है कि वीर जनानी ने तो कुछ दिया सो दिया, अब मैं मर्द हूं घर का मालिक हूं, जनानी ने जब ये दे दिया तो मैं क्या दूं? यदि इससे कम दूं तो मेरा मर्द पड़ा नहीं मालिक पड़ा नहीं, अर्ज इससे ज्यादा दूं तो या तारा चंदाड़ी पनशेरी मेरा टिक गया आगे क्यों, फिर मैं डोलूंगा बारह बाट होया। पर मनसाराम ने विचार किया भाई ज्यादा नहीं कम नहीं तो कुछ ऐसा कर दूं कि जिससे सिर ढकन बन जाए। ठीक है बेटे तू जा तेरे पिताजी के साथ, मैं 9 लाख रुपए नगद परसों ही तेरे छकड़े में डलवा करके दिल्ली भिजवा दूंगा, तू जा तेरे पिताजी के साथ। अब हो गए वारे न्यारे, चल दिए दोनों बाप बेटे और हरनंदी के तट पर आए तो सेठ ताराचंद के अचानक ठोकर लगी और वो ही न्योड़ी जो 12 साल पहले वहां गऊ के गोबर के नीचे दबी थी, आज वो गोबर तो मिट्टी हो गया और दिमक ने न्योड़ी भी घनखरी खा गरी। पर वो रुपये चांदी आड़े थे उस समय, आज आड़ा रुपया होता तो गोबरी गोबर रहता, माटी माटी पाव थी कुछ नहीं, चांदी वाले रुपये थे। ठोकर लगी और वो रुपये तरनाट उठा। शेर ताराचंद अपने वो रुपये उठा रहा था और आंसू आ रहे थे आंखों में। चंद्रगुप्त कहता पिताजी रो क्यों रहे हो, क्या बात? ठोकर लगी, ठोकर लगने से दर्द हो चोट आ जाए गिर जाते तो रोना था, कोई टूट फूट होती तो रोना कष्ट था, पर अब ठोकर लगी और लक्ष्मी मिली और फिर मैं आपके साथ 12 साल से गया हुआ घर जा रहे हैं, आज जैसी खुशी जीवन में आएगी नहीं और कई लाखों रुपए लेकर के आ रहे हैं, फिर रो क्यों रहे हो? शेर ताराचंद कहता बेटा रोना आपका नहीं है तो ये बहुत पुराना रोना है। कैसे? मेरे लाडले के बुझ